अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर की हर खबर के साथ मैं हूं राबिया रफीक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी तेल तंसीबात पर हमले की मुज़म्मत। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के अमन और आलमी मुआशियत को निशाना बनाने की हर कोशिश से मुकाबला किया जाएगा। नो डील नो कॉम्प्रोमाइज। वजीर आजम ने बाबर अवान से मुलाकात में कहा एहतसाब यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल तवज्जो कश्मीर पर है। उधर इमरान खान नैब के इख्तियारात में कमी पर राजी। बड़ी तरमीम रवां हफ्ते फाइनल होने का इम्कान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 नकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। बीपीओ सीनियर सैयद हुसैन हैदर की उलमा कराम से मीटिंग। उलमा कराम ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के इंतजाम करने और अमन व अमान को बरकरार रखने पर पुलिस के किरदार को सराहा। पसरूर मोटरसाइकिल और डंपर में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार मौका पर जा बहक। हादसा बडियाना की हदूद में पेश आया। पिपला हरनोली मोड़ पर ऑयल टैंकर उलट गया। जराए के मुताबिक टैंकर में हजारों लीटर पेट्रोल मौजूद है। ऑयल लीकेज की वजह से रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ऑयल टैंकर ट्रालर से टकराने के बायस बेकाबू होकर उलट गया। हरिपुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत जिले इंतजामिया की कारकर्दगी के हवाले से इजलास। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आरिफ उल्लाह वान को बेहतर कारकर्दगी में दूसरे नंबर पर आने पर वजीर आला KPK ने तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। रेस्क्यू 1122 में बदअनवानी और गैर कानूनी भर्ती केस। पंजाब असेंबली में डॉक्टर रिजवान नसीर के खिलाफ तहरीर अल्तवा जमा। तहरीर अल्तवा दो खवातीन सूबाई असेंबली मेंबर सादिया सुहेल राणा और समीरा अहमद ने जमा कराई। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के बाहर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अदालत के बाहर से बड़ी मिकदार में असला बरामद कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को मुतलका थाने में मुंतकिल कर दिया। डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। ATC कोर्ट के बाहर दो मशकूक डाकुओं से असला बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड ने मशकूक अफराद की गाड़ी को चेक करते हुए 3 पिस्टल 2 राइफल और कसीर तादाद में गोलियां बरामद कर ली। घोट की शाम होते ही चोरों का धावा। अहले इलाका ने भी चोरों पर फायरिंग करके एक चोर को हलाक कर दिया जबकि दो चोर फरार होने में कामयाब। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर TV।